विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सिकड़ी में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद रविंद्र राय की भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने की बातें सामने आ रही थीं। यहां तक कहा जा रहा था कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होने वाली है, लेकिन इन अटकलों पर खुद रविंद्र राय ने फुल स्टॉप लगा दिया है। उन्होंने इस प्रकार की किसी भी मुलाकात या दूसरी पार्टी में जाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के साथ ही जुड़े हुए हैं और उनके पाला बदलने की खबरें बेबुनियाद हैं। मेरे कुछ जानकार मित्रों से जानकारी मिली है, कुछ मीडिया के बंधुओं ने भ्रमपूर्ण समाचार चलाया गया है मेरे बारे में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हाथ मिलाएंगे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। मुझे लगता है कि अखबार के बंधुओं से और मीडिया के मित्रों से मेरा आग्रह है कि इस प्रकार के भ्रामक समाचार चलाने का काम नहीं करें। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का सींचने का काम मैंने किया है। इस प्रकार के चर्चाएं 2019 में भी कुछ लोगों ने चलाने की कोशिश की थी जब मेरा लोकसभा का टिकट कटा था, और मुझे लगता है कि यह समाचार जो है वो भ्रामक है और मेरे शुभचिंतकों से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे समाचारों पर ध्यान न दें, अपनी विश्वसनीयता बनाए, बिना ठोस जानकारी लिए, बिना मुझसे जानकारी लिए। मीडिया के मित्रों से अनुरोध है कि वो कहीं से भी कुछ समाचार लेकर और किसी प्रकार का मिथ्या समाचार चलाने का प्रयास नहीं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।